स्वागत है आपका सुरागी लाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा पहुंचे चंपावत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। रुद्रपुर नगर निगम द्वारा कुत्तों को रेस्क्यू कर चलाया जा रहा नशबंदी ऑपरेशन। GPS स्कूल के बच्चों ने किया हाई स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त। पूर्व सैन्य सम्मान के साथ हुआ शहीद का अंतिम संस्कार। चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने की प्रेस वार्ता। वनाग्नि को लेकर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। पूर्व दर्जा मंत्री कर्नाटक ने देहरादून में की पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात। युवक ने चाकू से मामी सहित उसके 3 बेटों को किया लहूलुहान। SSP अल्मोड़ा के निर्देशन में जनपद पुलिस का नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान जारी। प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर तहसील के चक्कर काटने को मजबूर हुए लोग। बकायेदारों से टैक्स वसूली में जुटा हल्द्वानी नगर निगम। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार चंपावत पहुंचे। चंपावत पहुंचने पर पूर्व सांसद का कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरन सिंह कठायत की अध्यक्षता व संगठन जिला महामंत्री निर्मल तड़ागी के संचालन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद ने लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी के द्वारा सक्रिय भूमिका निभाते हुए सफल चुनाव संपन्न करने पर सभी कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व चंपावत जिले की जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही अपनी भारी जीत का दावा किया। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर नगर निगम द्वारा आवारा कुत्तों को रेस्क्यू कर उनका नसबंदी ऑपरेशन करके बाद में छोड़ दिया जा रहा है। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो मार्च 2024 से नगर निगम की अगुवाई में शहर में घूम रहे कुत्तों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें अभी तक 430 रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें मेल 210, फीमेल 220, प्रतिदिन 15 की नसबंदी की जा रही है, जहाँ पर कुत्तों को ले जाकर उनको रहने खाने की व्यवस्था की जाती है। उन्हें प्रतिदिन 2 बार खाना खिलाया जाता है। ऑपरेशन करने के बाद 5 दिन उन्हें रखा जाता है, उसके बाद उन पर एक निशान लगाकर भेज दिया जाता है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार है, मैं ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया से बोल रहा हूँ। तो यहाँ जो रुद्रपुर का जो प्रोग्राम चालू हुआ था, ये मार्च 2024 से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ था। ऐसे हमारा MOU तो 31 दिसंबर को हो गया था, बट कुछ फैसिलिटी का मॉडिफिकेशन के कारण थोड़ा डिले चालू हुआ। तो इसका जो मेन इम्प्लीमेंटेशन था वो मार्च 2024 से स्टार्ट हुआ है। अभी तक यहाँ पे आज तक मिला के 430 डॉग का कैचिंग, स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन हो गया है। यहाँ पे जो भी डॉग लाया जाता है उसको पूरी व्यवस्था दिया जाता है कि डॉग को जितनी कम्फर्टेबल हो सके हम रखें, उनको 2 सुबह शाम खाना मिले, ट्रीटमेंट मिले, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। गर्मी जैसे आप कैनल में जाएंगे तो जितनी भी कैनल में सब में सिंगल फैन लगे हुए हैं, लाइट लगे हुए हैं, तो कूलर लगे हुए हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएं उनके लिए की जाती है। जो भी यहाँ पे जो भी डॉग आता है उनको 5 दिन बाद वापस स्टरलाइजेशन और एंटी रेबीज का वैक्सीन दिया जाता है जो भी डॉग आता है, और उनको 5 दिन के बाद 6ठे दिन उसको वहाँ पे जहाँ से डॉग लाते हैं वहाँ छोड़ दिया जाता है। अगर आप स्ट्रीट पे जाएंगे तो देखेंगे जो भी डॉग है उनका लेफ्ट का जो ईयर होता है वो V-shape का नॉस्ट होता है। वो एक तरीके का परमानेंट मार्किंग है जो AWBI द्वारा रिकॉग्नाइज है। अगर इस तरीके का डॉग दिखे तो आप समझ सकते हैं कि ये डॉग स्टरलाइज है, प्लस इसको एंटी रेबीज का वैक्सीन भी लगा हुआ है। नहीं देखिए, ज़रूरी नहीं है ये, तो ये आपको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, बट ये है कि प्रिकॉशन के लिए आप मान सकते हैं कि उसको पहले से ही एंटी रेबीज का वैक्सीन डॉग को लगा हुआ है, जिस डॉग का भी V-shape का नॉस्ट है उसका। उसके लिए प्लान ये है कि हमारे नगर निगम द्वारा हमें, रुद्रपुर नगर निगम द्वारा हमें ये एक टेंडर दिया गया है, जिससे जो भी रुद्रपुर कॉरपोरेशन के अंदर जितने भी डॉग हैं, सारे को तो नहीं बट पॉसिबली 80-85% डॉग को हम स्टरलाइज और वैक्सीनेट करेंगे विद इन अ टाइम फ्रेम में। नहीं कुछ कभी कभी नगर निगम द्वारा भी बताया जाता है इस जगह पे, या तो फिर हम फिर एक प्लान के हिसाब से जो कम्युनिटी मेंबर हैं उसके हिसाब से एक तरफ से हमने चालू किया हो, धीरे धीरे सारे नगर निगम के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं सारे क्षेत्रों में
धीरे धीरे लग जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं व 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जहां उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 10वीं की छात्रा सृष्टि ने 98.6% अंक, छात्र आदित्य राज तिवारी ने 98.2% अंक और आदित्य शर्मा ने 98.2% अंक हासिल किए। वहीं जीपीएस स्कूल के चेयरमैन सुरजीत सिंह ग्रोवर ने बताया कि हमारे यहाँ हाई स्कूल में 90% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, इससे पूरे स्कूल में खुशी की लहर है और सभी शिक्षक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कोई शक नहीं कि टीचर्स ने बहुत मेहनत की और बच्चों ने भी पूरा, पेरेंट्स ने बहुत कोऑपरेट किया और हमारे जो टॉपर बच्चा है उसके 99.8% जो कि डिस्ट्रिक्ट में सेकंड नंबर पे है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे स्टाफ के लिए। तो इसके लिए मैं बधाई देता हूँ अपने प्रिंसिपल, अपने डायरेक्टर और सारे स्टाफ जिन्होंने ये मेहनत की है और ये बहुत गर्व का विषय है, क्योंकि कोई भी स्कूल का रिजल्ट ही आखिर में बताता है कि स्कूल में कैसी पढ़ाई चल रही है और ट्वेल्थ का रिजल्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये बच्चों के कैरियर के लिए बहुत आगे जो है हेल्प होगी इसमें। तो एवरेज रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा हुआ है, पिछले सालों से रिजल्ट बहुत इम्प्रूव हुआ है। लास्ट टाइम सीबीएसई बोर्ड्स में 98.2% स्कोर किया है, इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स, कोऑर्डिनेटर्स एंड डायरेक्टर्स को देना, डायरेक्टर सर को देना चाहूँगा। उन्होंने थ्रू थिक एंड थिन हमें सपोर्ट किया काफ़ी ज़्यादा, हमें जितने भी इश्यूज आए हेल्थ रिलेटेड, उन्होंने हमेशा हमारी स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज़ करके हमारी हेल्प करने की कोशिश की है एंड दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हम लोग जो स्कोर कर पाए वो कर पाए हैं। आगे की क्या प्लान? आगे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई और मेरा यही एम है कि मैं IIT जाके CS कर सकूँ। हम इसका श्रेय अपने स्कूल को, डायरेक्टर सर, टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स को देना चाहेंगे और साथ ही हमारे पेरेंट्स ने भी हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करा है, जिससे हम आज 10th पास हो सके अच्छे मार्क्स से। नाम आदित्य राज तिवारी है और मैंने 10th में 98% स्कोर करा है। मैंने सीबीएसई बोर्ड में मैं पढ़ती हूँ और मैंने बोर्ड की परीक्षा में 98.6% मार्क्स पाए हैं और इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स, कोऑर्डिनेटर, डायरेक्टर सर और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा इस पूरी जर्नी में साथ दिया। जब भी मेरे को कोई डाउट्स आए, इन सब ने मेरा बहुत साथ दिया, व्हाट्सएप पे या फिर ऑनलाइन क्लास लेकर हर तरीके से मेरे को हर चीज़ समझाने की कोशिश करी। इसी के चक्कर में मैं मानती हूँ कि मेरे 98.6% आ पाए हैं सीबीएसई बोर्ड में और मैं चाहूँगी मैं ऐसे आगे अच्छे से करती रहूँ और आगे फिर JEE क्रैक करके IIT में जाऊँ। बीते 13 मई को मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पीलूखेड़ी में सेना के ट्रक व बस की भिड़त में लोहाघाट ब्लॉक के डूंगरी हाल निवासी सेरी गैर के रहने वाले EAME के हवलदार KD जोशी शहीद हो गए। उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ मंगलवार देर शाम उनके आवास सेरी गैर पहुंचा था। बुधवार सुबह लोहाघाट नगर के सैकड़ों लोग उनके आवास पहुंचे तथा शहीद के आवास से हथरंगिया तक पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई। उनके पार्थिव शरीर को पंचेश्वर घाट ले जाया गया, जहां पंचेश्वर घाट में सरयू व महाकाली नदी के संगम में पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को अंतिम सलामी देने के लिए पिथौरागढ़ से 12 कुमाऊं के जवान पहुंचे थे, जिन्होंने मातमी धुन बजाकर उन्हें अंतिम विदाई दी। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिस्त की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लो पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपान नमकीन। देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने चारधाम यात्रा को लेकर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अभी तक 26,73,519 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिनमें से 2,74,000 श्रद्धालु दर्शन भी कर चुके हैं। साथ ही हरिद्वार ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा में पिछली बार की तुलना में करीब 2 गुना अधिक श्रद्धालु आ रहे हैं, जिसके चलते यात्रा में अधिक दबाव बढ़ा है। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। जो हमारे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में जब 8 तारीख से शुरू हुआ तो स्लॉट मिलने शुरू हो गए। 1,000 हमने दिया था इसमें ऋषिकेश को
और हमने 500 दिया था हरिद्वार को कि आप पर डे इतना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 8 तारीख को जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो 1 घंटे में ही 1000 भर गया। इसके बाद फिर वो 9 तारीख मतलब 11 का मिला, 12, इस तरह से करते हुए अब ये करीब 10 जून तक पहुंच गया है। हो ये रहा है कि जो 10 जून वाला भी जिसके पास रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन लेकर इसी तारीख में मूव कर गया है। इतना माइनूटली देख पाना, अगर मान लीजिए एक बस में एक गाड़ी में 5 लोग जा रहे हैं, दूर से पर्ची दिखा दी, साहब मेरे पास यात्रा पर्ची है, तो उन गाड़ियों को रोक देख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरा रोड पैक हो जाता है पीछे। तो ये लगातार अपील की जा रही है कि इस चीज को हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं, चूंकि हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है, श्रद्धेय हैं, हम ये भी नहीं चाहते कि वो इतने दूर आए हैं तो बिना दर्शन किए लौटें। बस उनसे हम अनुरोध कर सकते हैं कि आप प्रशासन की जो भी एडवाइजरी आ रही है उसको पूर्ण सहयोग प्रदान करें, और साथ ही साथ जो हमारे बड़ी गाड़ियां हैं, बसेज हैं, अगर उनको ट्रिप कार्ड 28-29 मई का मिला है तो उनको भी उसी डेट पर ही ट्रेवल करना चाहिए, उसके पहले लेकर न निकलें, क्योंकि एकाध मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं, मैं उनको वेरीफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज से इसको लेकर सख्ती बरती जाए। आपको बता दें कि प्रदेश में जगह जगह जंगल धधक रहे हैं और सरकार वनाग्नि की घटनाओं पर रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सरकार द्वारा विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वन विभाग की पतरामपुर रेंज के दक्षिणी वीट में भवानीपुर में वन विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। वहीं वन वीट अधिकारी भवानीपुर शिवानी ने बताया कि लोगों को इकट्ठा कर आज बताया गया है कि गेहूं की फसल कट चुकी है। जंगल के किनारे बसे किसान खेतों की सफाई के लिए खेतों में आग लगा देते हैं, इसलिए उनको भी ध्यान रखना है कि आग जंगल में ना फैले। जसपुर से संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। सभी को एकत्र करके बताया गया है कि जैसा कि हम जंगल में अपनी गश्त करते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि आबादी की साइड अगर आग लगी है, जैसा कि आप सभी जानते हो इस टाइम गेहूं की खेती थी, अब कुछ लोगों के द्वारा गेहूं के जो रह गए हैं उनमें भी आग लगाई जा रही, तो उनको ध्यान रखना है कि जंगल में ना लगे। उसके अलावा किसी को आते जाते देखा, उनको नॉलेज दी कि कोई भी जंगल में अगर जा रहा है तो कुछ लोगों को बीड़ी पीने की आदत होती है, तो वो ऐसी कुछ भी चीज़ लेकर के जंगल में ना जाएं जिससे कि वहाँ आग लग सके। और अगर ऐसी उनको सूचना मिलती है तो अपनी तरफ से प्रयास करें, वरना हम वहाँ पर कार्यरत हैं, हमें सूचित करें, वन विभाग की टीम वहाँ पर पहुँचेगी, आग को बुझाने की कोशिश करेगी। उनको जागरूक किया गया कि वन केवल हमारे नहीं उनके लिए भी कितने ज़रूरी हैं, अगर वो उसका ध्यान रखते हैं तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा। वन से उनको भी वो काफ़ी लाभ है, उसके द्वारा हमें स्वच्छ जलवायु मिल रही है। जैसा कि जानते हैं अभी पीछे कुछ समय पहले ऑक्सीजन पैसों तक में खरीदी जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो कितने भाग्यशाली कि उनको स्वच्छ और शुद्ध जलवायु यहाँ पर मिल रही है। तो उनको यही बताया गया कि अपने वनों की रक्षा करनी है। अगर उन्हें ऐसा कुछ भी दिखता है कि गर्मी का प्रकोप है इस टाइम पे, इस बार कुछ ज़्यादा दिख रहा है, तो वो अपना ध्यान रखें। अगर उन्हें जैसे भी कुछ सूचना मिलती है आग की तो हमें बताएं। अभी हमारा कार्यक्रम जो था, हमारा मकसद मेन यही है कि जनता को हम जागरूक कर रहे हैं, इसलिए कि हम कुछ लोगों को बताएंगे तो वो कुछ लोग आगे जाके इस बात को बताएंगे कि वनों का हमें क्या ज़रूरत है और उसको अग्नि से कैसे बचाया जा सके, क्योंकि आजकल गर्मी का सीज़न चल रहा है और हम अकेले दुकेले जो है, हमारे कर्मचारी हैं, फायर वाचर हैं, बीट वाचर हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, और लेकिन जनता से हमारा जागरूक करना बहुत ज़रूरी है जिससे मैसेज आगे तक जाए। मेन बात यह है कि जैसे कि पब्लिक का खुला क्षेत्र है यहाँ पे हमारा जंगल जो है यहाँ सब जगह, और आना जाना लगा रहता है कि कहीं पे आग लगी हुई तो उसकी या तो कोशिश करें कि उसे खुद बुझा दें और या तो वन विभाग को सूचित करें दूरभाष द्वारा, जिससे कि उसे जल्दी से रोकथाम की जा सके। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने आज देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में अल्मोड़ा वासियों की परेशानियों से पूर्व मुख्यमंत्री को अवगत कराना था। कर्नाटक ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को वर्तमान में अल्मोड़ा में चल रहे गंदे एवं बदबूदार पानी की आपूर्ति से अवगत कराया गया। इसके साथ ही बीते दिनों रानीधारा एवं इंदिरा कॉलोनी में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसने से लोगों को हुई दिक्कतों से अवगत कराया गया। साथ ही अल्मोड़ा की लाइफलाइन कहे जाने वाले माल रोड के हालात से भी पूर्व मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। कर्नाटक ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा सभी बातों का संज्ञान लिया गया है एवं अपने स्तर से इन तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्रियों एवं उच्च अधिकारियों से बात करने की बात कही गई है।
देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। हल्द्वानी बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने अपनी मामी सहित उसके 3 बेटों के ऊपर चाकू से हमला बोलकर लहूलुहान कर दिया। हमले में उसकी मामी की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि उसके 3 बेटे घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दुकान के कारोबार को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था, जिसके बाद युवक ने हमला किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बनभूलपुरा थाना प्रभारी नीरज का कहना है कि फिलहाल अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है, तहरीर आते ही मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कि हमारे काफ़ी दिन पहले बड़े भैया का मकान है, उन्होंने एक लाइट के किराएदार को दुकान किराए पे दे दी। कहाँ पर है वो मकान? ये चैनल गेट के सामने, इंदिरा नगर में। अच्छा, तो जो चैनल गेट के सामने उनका मकान है, खुद का दुकान है 2-3, तो उन्होंने लाइट वाले को किराए पे दे दी। और ये लाइट की काम करता है, इसकी खुद की दुकान है इसके मकान के नीचे। तो ये उसको लड़ता था कि तुमने लाइट वाले को ये दुकान क्यों दी, इससे खाली करा ले। अच्छा, ये आपके रिश्तेदार इनमें चाकू मारा? हाँ, ये हमारे लगे रिश्तेदार है। तो इसने कई बार कहा और लड़ा, कई बार गालियाँ भी दी बड़े भैया को कि तू इसको लाइट वाले को खाली करा। और इससे पहले भी हम 2-3 बार बनभूलपुरा थाने में एप्लीकेशन दे चुके हैं, पुलिस वालों ने समाधान कराया कई बार। और हम लोग अहमदाबाद में काम करते हैं। मारने वाला कौन है? मारने वाला शखावत नाम है और अंजार, और उसके साथ ही हैं 8-10 लड़के थे ये सब। ये लोग आज मैं सुबह गया था आपके घर में घुसे क्या आज? नहीं, आज कल हमारी मम्मी निकल के जा रही थी तो वो गालियां देता है। हमारे पापा हैं, ये बुड्ढे हैं, इनके ऊपर देख लो, मम्मी की देख लो। हाँ, हाँ। और हमारे भैया कितने लोग चाकू मारा है? हमारे 5 लोगों के चाकू मारा है इसने आज। किसको? एक मैं, 2 छोटे भाई हैं। और नाम बताते रहे। दानिश, जिसकी उम्र करीबन 25 साल है, और मेरे ये हाथ पे लगा मेरे चाकू। नाम? मेरा नाम रिफायत है और मेरी मम्मी अमीर जहाँ, इनको तो बहुत लगा है, आपने देखा भी होगा। जी जी। तो आज कल इनको मारने का कह रहा था। हम लोग कल ही अहमदाबाद से आए, हम लोग बाहर काम करते हैं अहमदाबाद गुजरात में, सिलाई का, तीनों भाई। तो हम लोग रात ही आए, तो ये कल बहुत गालियाँ, अभी तो इनकी कंडीशन आपने देखी, मम्मी की बहुत ख़राब है, बहुत ब्लीडिंग हुई है, इनको बहुत सारे टाँके भी आए। कितने चाकू मारा मम्मी को आपको? उसने कई सारे चाकू मारे थे, और चाकू हम लोगों ने पकड़ लिया, अगर ना हम नहीं रोकते तो वो किसी ना किसी को आज मार ही डालता। वो बहुत टाइम से कह भी रहा था हमारे बड़े भैया को कि तुझे तो जान से ही मारूंगा मैं। धोलछीना पुलिस के मार्गदर्शन में राजकीय इंटर कॉलेज धोलछीना के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों से आगाह किया। देवेंद्र पीचा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद के सीओ प्रभारी निरीक्षकों थानाध्यक्षों एसओजी एएनटीएफ प्रभारियों को जनपद स्तर पर वृहद नशा मुक्ति अभियान चलाकर मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने व स्कूल कॉलेजों नगर कस्बों ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों युवाओं व जनमानस को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। नैनीताल जिले के मैदानी तहसीलों में लंबे समय से प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। पटवारी द्वारा कार्य बहिष्कार किए जाने के बाद लगातार फरियादियों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। अकेले हल्द्वानी तहसील में 270 प्रमाण पत्र और लालगुआ तहसील में 98 प्रमाण पत्र अभी तक लंबित पड़े हैं। प्रमाण पत्र न बनने से विभिन्न नौकरी में आवेदन करने वाले व कॉलेज में दाखिला लेने वाले अभ्यर्थियों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा का कहना है कि लेखपाल संघ से वार्ता हो चुकी है और जल्द प्रमाण पत्र बनने शुरू हो जाएंगे। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पटवारियों के संघ पर वार्ता हो चुकी है और इनके लेखपाल एसोसिएशन ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आज जनपद स्तर पर इनकी वार्ता है और उसके बाद ये लोग काम शुरू कर, आज ही काम शुरू कर देंगे। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी नगर निगम इस वित्तीय वर्ष के टैक्स वसूली में जुट गया है। नगर निगम के मुख्य नगर आयुक्त IAS विशाल मिश्रा ने बताया कि नगर निगम के राजस्व बढ़ाने के लिए निगम द्वारा टैक्स वसूली के साथ साथ बड़े बकायेदारों को नोटिस देने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य नगर आयुक्त ने कहा, शहर में 471 बड़े टैक्स पेयर हैं,
उनसे भी टैक्स वसूली की कार्रवाई चल रही है। साथ ही बड़े टैक्स पेयरों को नोटिस देकर टैक्स वसूली और जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। कोई भी नगर निगम हो उसकी रीढ़ की हड्डी उसका टैक्स डिपार्टमेंट होता है, उसका टैक्स कलेक्शन है। तो मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि शहर में जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनकी सूची बना करके उनको पर्सनली बात भी की जाए, नोटिसेज भी भेजे जाएं, ताकि वो ससमय जो है रिमाइंडर्स भी भेजे जाएं ताकि वो ससमय टैक्स भरें। तो इस संदर्भ में जो हमने सभी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनको भी एक लिस्ट बना ली है, वो करीब 471 की लिस्ट है सभी वार्ड्स में, क्योंकि जो नया क्षेत्र ऐड हुआ है उसमें अभी टैक्सेशन शायद नहीं लगा है एज पर द जियो। तो ऐसी परिस्थिति में जो भी है हमारे बड़े टैक्स पेयर्स उनको ससमय टैक्स वसूला जाएगा और जो नहीं दे रहे उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, और अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।